हेलो बच्चों, वेलकम टू माय एकेडमी। उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम एक ही वीडियो में पूरा का पूरा वेक्टर पढ़ने की कोशिश करेंगे, उसके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप ये चाहते हो कि इसी तरह से बाकी चैप्टर्स के लिए भी वन शॉट वीडियो आए, तो आप उन चैप्टर्स का नाम कॉमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर आपने इनको ढंग से समझ लिया तो सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे। बस एक एक बात पर मेरी ध्यान देना। सबसे पहले वेक्टर पर हम बात करते हैं। बच्चों, वेक्टर क्या है? अगर सिंपल सिंपल बात करें तो हम बोल सकते हैं बच्चों, वेक्टर वो है जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होती है, और वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। बच्चों, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है ये भी हम थोड़ी देर में देखेंगे, लेकिन हाँ, कोई भी अगर क्वांटिटी वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगी। जैसे मान लीजिए कि बच्चों यहां पर कोई ब्लॉक है, अब इस ब्लॉक पर मैंने आपसे कहा कुछ फोर्स एग्जर्ट करो, तो फोर्स में दो चीजें आएंगी। पहला, फोर्स कितने मैग्नीट्यूड का है। जैसे मान लीजिए आपने बोला सर 50 न्यूटन का फोर्स लगाना है, तो 50 न्यूटन इसका मैग्नीट्यूड हो गया। और बच्चों ये भी बताना पड़ेगा किस डायरेक्शन में अप्लाई किया। सपोज 30 डिग्री एंगल पे अप्लाई किया है तो ये डायरेक्शन हो गई। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होगा अगर कोई वेक्टर है तो। ठीक है, साथ ही साथ वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करेगा, ये भी हम थोड़ी देर में देखेंगे क्या होता है। चलिए इधर आइए बच्चों, किसी भी वेक्टर को हमें रिप्रेजेंट करना होता है ना, तो हम एरो का यूज करते हैं। जैसे यहां पर देखो एक एरो है, ये एरो किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकता है। इसमें बस दो बातें ध्यान रखनी है। पहली क्या है बच्चों, एरो की जो लेंथ है, क्या मैं बोल रहा हूं, एरो की जो लेंथ है वो बच्चों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होती है। मतलब जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है उसको रिप्रेजेंट करने वाला जो एरो होगा उसकी लेंथ भी ज्यादा होगी। जैसे बच्चों यहां देखो, अगर हमारे पास ए वेक्टर और बी वेक्टर है और आपसे पूछा जाए बताओ दोनों में से किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो आप ये देखोगे किस एरो की लेंथ ज्यादा है। आप कहोगे सर बी वेक्टर की जो एरो है उसकी लेंथ ज्यादा है, इसलिए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होगा ए वेक्टर से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, वेक्टर की डायरेक्शन कैसे पता चलेगी? सीधा सीधा बच्चों, एरो की डायरेक्शन से। तो आप कह सकते हो कि डायरेक्शन ऑफ एरो यहां पर वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, यहां पर अगर आप देखो तो दो वेक्टर आपके सामने हैं। अगर इनको लिख करके दिखाना हो कि इनका मैग्नीट्यूड क्या है, इनकी डायरेक्शन क्या है, तो कैसे समझेंगे जरा देखो। बच्चों, सबसे पहले ए वेक्टर को देखो। आप बोलोगे सर ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 50 मीटर है, तो ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन कैसे बताएंगे बच्चों? ये नॉर्थ डायरेक्शन से ईस्ट की तरफ 60 डिग्री एंगल पर है, तो आप क्या बोलोगे? आप बच्चों बोलोगे यहां पर 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। इसका मतलब समझते हैं बच्चों क्या होता है, कि नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 60 डिग्री चलना है, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 60 डिग्री चलना है, तो ये जो डायरेक्शन होगी वो होगी 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो बच्चों ये क्या हो गया मैग्नीट्यूड, और ये क्या हो गया डायरेक्शन। चलो इसी तरह से यहां पर देखो बच्चों, बी वेक्टर, बी वेक्टर कैसे लिखेंगे बच्चों? इसका मैग्नीट्यूड क्या है? 30 मीटर है, तो हमने लिख दिया 30 मीटर। अब जरा देखो एंगल कितना है बच्चों, ये वेस्ट से साउथ की तरफ बना रहा है 75, तो आप क्या लिखोगे? 75 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। इसका मतलब क्या होगा बच्चों? वेस्ट से साउथ की तरफ 75 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हम वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को बता सकते हैं, समझा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे फाइंड करते हैं बच्चों? इसके लिए एक छोटा सा काम करना है, या तो दोनों वेक्टर को एक ही पॉइंट से स्टार्ट करो, यानी दोनों वेक्टर की टेल एक ही पॉइंट पर हो, या फिर दोनों वेक्टर को बच्चों एक ही पॉइंट पर एंड करो, यानी कि दोनों के हेड एक ही पॉइंट पर हो। तो बच्चों या तो टेल टू टेल मिला दो या हेड से हेड मिला दो। ठीक है, अब इसमें क्या करना है देखो बच्चों, दोनों वेक्टर के बीच में जो छोटा एंगल होगा, मतलब एक तो ये वाला एंगल होगा एक ये वाला एंगल होगा, तो बड़े एंगल की बात नहीं कर रहे, जो स्मॉलर एंगल होगा उसी को दोनों वेक्टर के बीच का एंगल माना जाएगा। ठीक है, यहां पर देखो बच्चों, जब आपने दोनों के हेड को हेड से मिला दिया तो ये जो छोटा एंगल होगा उनके बीच में उसी को हम दोनों वेक्टर के बीच का एंगल बोलेंगे। जैसे यहां पर करके देखते हैं बच्चों, हमारे पास ए वेक्टर है बी वेक्टर, हमसे पूछा है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा, तो हम क्या करेंगे? मैंने आपसे कहा था या तो दोनों के हेड को मिला दो या दोनों के टेल को मिला दो, तो चलो एक काम करते हैं हम दोनों के हेड को मिला देते हैं। तो बच्चों ये तो हो गया ए वेक्टर, ठीक है, ये हो गया ए वेक्टर, और बच्चों ये है बी वेक्टर।
अब आप चाहो तो बी वेक्टर को बच्चों थोड़ा शिफ्ट कर दो ऐसे, मतलब ऐसे शिफ्ट करना कि उसका मैग्नीट्यूड चेंज ना हो, डायरेक्शन भी चेंज ना हो। तो ये बच्चों हमारे पास आ गया बी वेक्टर, सही है, समझते रहना छोटी छोटी बातें। ये बी वेक्टर, मतलब बी वेक्टर को हमने यहां से इधर पैरेलल शिफ्ट कर दिया, जिससे ना तो बी वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हुई ना मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, बस इसको उठा के यहां रख दिया। अब बच्चों यहां पर अगर आप देखो तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल तो ये होना चाहिए ना, ठीक है, लेकिन हमें कौन सा एंगल 120 दिया है, हमें ये वाला एंगल 120 दिया है। तो बच्चों ये एंगल कितना हो जाएगा 60, ताकि टोटल एंगल 180 हो जाए। तो यहां पर हम बोलेंगे कि जो एंगल है बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, वो बच्चों यहां पर कितना माना जाएगा 60 डिग्री। बात समझ में आ गई, चलो आगे बढ़ते हैं। बच्चों अगर आप वेक्टर पढ़ रहे हो तो दो रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन रूल और कॉस रूल, ठीक है। देखिए क्या होता है बच्चों, अगर आपके पास कोई ट्रायंगल इस तरह का दे रखा है, ठीक, जिसमें एंगल ए के सामने साइड ए, एंगल बी के सामने साइड बी और एंगल सी के सामने साइड सी है, तो बच्चों साइन रूल क्या कहता है, साइन रूल कहता है साइन ए डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल टू साइन बी डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल टू साइन सी डिवाइडेड बाय सी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब जो एंगल ले रहे हो उसके सामने वाली साइड लेनी है, और इस तरीके से हम लिख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं बच्चों साइन रूल। कॉस रूल क्या होता है बच्चों, कॉस रूल में आप किसी भी एंगल का कॉस फाइंड कर सकते हो। जैसे मान लो हमें कॉस ए लिखना है, तो बच्चों कॉस ए कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनिएगा, ए के सामने वाली साइड को छोड़ देंगे, जो अगल बगल वाली साइड है उनका स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, फिर जो सामने वाली साइड है बच्चों उसका स्क्वायर सबट्रैक्ट कर देंगे, डिवाइडेड बाय जो अगल बगल वाली साइड है उनको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 और सी बी, इस तरह से, है ना, ऐसा। मैं एक और लिख के दिखाता हूं, देखो जैसे मान लो बच्चों कॉस बी लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, समझिएगा बच्चों, कॉस बी अगर हमें लिखना हो तो सामने वाली साइड को छोड़ दो, अगल बगल वाली साइड का स्क्वायर करो, तो बच्चों ये क्या हुआ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और सामने वाली साइड क्या थी बी, उसका स्क्वायर बच्चों यहां सबट्रैक्ट कर दो, डिवाइडेड बाय 2ac, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों अगर मान लीजिए कॉस सी लिखना हो तो सामने वाले को छोड़ दो, अगल बगल वाले का बच्चों स्क्वायर कर दो, ऐड कर दो, फिर सामने वाले का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो, डिवाइडेड बाय 2 अगल बगल, मतलब ऐसे। तो बच्चों ये है साइन रूल, ये है कॉस रूल, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व होते हैं इस पर। जैसे बच्चों यहां पर आओ, यहां अगर आप देखो तो बच्चों इस ट्रायंगल के अंदर आप जरा समझिएगा, यहां ये एंगल 60 है जिसके सामने साइड है 3 मीटर, ये एंगल 45 है जिसके सामने साइड है बच्चों x। हमसे पूछा x क्या होगा, तो हम सीधे सीधे साइन रूल लगा दें। देखो बच्चों x डिवाइडेड बाय साइन 45 जो सामने वाला एंगल है इज इक्वल टू 3 मीटर डिवाइडेड बाय साइन 60, ऐसा कर सकते हैं। तो बच्चों यहां पर अगर आप देखो तो x कितना आ जाएगा, 3 × sin 45 यानी 1/√2, साइन 60 यानी कि बच्चों √3/2, तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा 3, और बच्चों यहां पर देखो तो ये आ जाएगा 2/√2 × √3, ठीक है। तो बच्चों आप इसको ऐसे लिख सकते हो √6, है ना, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों यहाँ पर √6, भाई √2 से √2 कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, √2 × √3 √6 हो गया, ठीक है। मतलब काफी आसानी से बच्चों आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब इधर आ जाइए बच्चों, यहां पर अगर आप देखो तो हमें दो साइड गिवेन है और एक एंगल गिवेन है और एक्स पूछ रहा है, ऐसे में सीधे सीधे कॉस रूल लगा दो। देखो कैसे बच्चों, हमें पता अगर हम कॉस 30 लिखें तो कॉस 30 क्या होगा, अगल बगल वाले का स्क्वायर करके ऐड कर दो, सामने वाले का स्क्वायर बच्चों सब्ट्रैक्ट कर दो, डिवाइडेड बाय 2 × अगल बगल वाली साइड, ऐसे। बच्चों कॉस 30 कितना होगा, √3/2, ये बच्चों यहां पर कितना हो गया 5 − x² / 4, ठीक है। अब बच्चों 2 से इसको कैंसिल कर दो, 2 बचा, ये हो गया बच्चों यहां पर 2√3 और ये हो गया 5 − x², तो बच्चों x² की वैल्यू आ गई 5 − 2√3 या x की वैल्यू आ गई √5 − 2√3। बहुत आसानी से बच्चों आप साइन रूल और कॉस रूल किसी भी ट्रायंगल में अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो राइट एंगल हो या ना हो, ठीक है। तो ये चीज आप बच्चों थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब हम देखने जा रहे हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है, कैसे दो वेक्टर को ऐड करते हैं ट्रायंगल लॉ से, समझिएगा बच्चों। जैसे मान लीजिए कि आपके पास बच्चों यहां पर ए वेक्टर है, ठीक, ए वेक्टर में आप बी वेक्टर ऐड करना चाहते हैं, तो बच्चों ये ए वेक्टर है और ए वेक्टर की डायरेक्शन से मान लीजिए बच्चों थीटा एंगल पर आपको यहां पर गिवन है बी वेक्टर, मतलब बच्चों थीटा क्या हो गया, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल, ठीक है ना, क्योंकि ए वेक्टर की डायरेक्शन से आपने थीटा एंगल लिया है, तो थीटा क्या है, ए और बी के बीच का एंगल है। तो बच्चों यहां पर समझना जरा, क्या
कैसे ऐड करते हैं? पहले हमने ए वेक्टर ड्रॉ किया, जहां पर ए खत्म हुआ वहीं से हमने बच्चों बी वेक्टर ड्रॉ कर दिया, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो बच्चों यहां पर ये आएगा इस तरीके से, ठीक है? ये बच्चों यहां पर रिजल्टेंट होगा, मतलब जहां से आपने स्टार्ट किया था और जहां पर आपने एंड किया है सीधे मिला देंगे, वो बच्चों हमारे पास रिजल्टेंट आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो बच्चों ये तीनों मिलकर के, मतलब दो वेक्टर और एक उनका रिजल्टेंट, तीनों मिलकर के एक ट्रायंगल बना रहे हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रायंगल ऑफ एडिशन। और इसमें बच्चों आप सीधे सीधे कॉस रूल लगा के आर की वैल्यू निकाल सकते हो। साथ ही साथ बच्चों आर वेक्टर ए वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है अल्फा, वो भी हम फाइंड कर सकते हैं साइन रूल से। ध्यान से देखो कैसे, बिल्कुल सिंपल है, समझना बच्चों। अगर हम इसको ट्रायंगल में कन्वर्ट करें तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। आप बोलोगे ये ए है, ये बी है, बच्चों ये वाला एंगल थीटा है, ये यहां पर आर है, ठीक है बच्चों, ये एंगल थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा हो जाएगा ऐसे। अब आप देखो बच्चों सीधे सीधे अगर हम कॉस पाई माइनस थीटा यहां पर अप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, सामने वाले को भूल जाओ, अगल बगल वाले का स्क्वायर करके ऐड करो, फिर सामने वाले का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करो, डिवाइडेड बाय टू अगल बगल। बच्चों कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, और ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू ए बी। बच्चों यहां से आर की वैल्यू फाइंड करोगे तो ये आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। तो बच्चों यहां से आप रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हो, ठीक है बच्चों। साथ ही साथ मान लीजिए आपको ये फाइंड करना हो कि जो रिजल्टेंट है वो यहां से कितना एंगल बना रहा है, ठीक है, तो इसके लिए बच्चों आप साइन रूल लगा सकते हो। देखो कैसे, ये बच्चों यहां पर क्या है ए, ये यहां पर क्या है बी, और बच्चों ये यहां पर क्या है आर। बच्चों ये वाला एंगल कितना है पाई माइनस थीटा, और ये वाला एंगल कितना है अल्फा। अब साइन रूल डायरेक्ट लगेगा, देखो कैसे बच्चों। यहां पर देखो हमें अल्फा फाइंड करना है तो हम क्या लिखेंगे, साइन अल्फा डिवाइडेड बाय, अब अल्फा के सामने वाली साइड है बी, ये हो गया इज इक्वल टू, अब ये वाला एंगल पकड़ो तो ये हो जाएगा साइन पाई माइनस थीटा डिवाइडेड बाय सामने वाली साइड क्या बच्चों आर। और आपको पता है कि साइन पाई माइनस थीटा बच्चों क्या होगा, साइन थीटा होगा, यानी कि बच्चों यहां पर साइन अल्फा की वैल्यू डायरेक्ट आ रही है, क्या आ रही है, बी को ऊपर ले जाओ आर नीचे आ गया और साथ में क्या साइन थीटा। तो बच्चों कुछ भी आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप अल्फा भी फाइंड कर सकते हो, मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो रिजल्टेंट का इस तरीके से, ठीक है। एक और बात ध्यान रखें क्या है बच्चों, जब आपने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड लिखा तो वो आपके पास आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। बच्चों अगर हम थीटा इज इक्वल टू जीरो ले लें, मतलब क्या है कि दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो बच्चों यहां पर जो रिजल्टेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा और वो होगा बच्चों ए प्लस बी। लेकिन बच्चों थीटा को अगर हम 180 ले लें, यानी कि जो ए वेक्टर है और जो बी वेक्टर है वो बच्चों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इस समय जो इनका रिजल्टेंट आएगा वो मिनिमम पॉसिबल होगा ए माइनस बी। इसीलिए बच्चों हम कहते हैं कि जब दो वेक्टर को हम ऐड करते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड बच्चों कम से कम कितना होता है ए माइनस बी, और बच्चों ज्यादा से ज्यादा कितना होता है ए प्लस बी, ठीक है। यानी कि जैसे मान लो बच्चों हमारे पास एक फोर्स दे रखा है 3 न्यूटन मैग्नीट्यूड का, और बच्चों दूसरा फोर्स आपको दे रखा है उसका मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन, और बच्चों जब हमने इन दोनों फोर्सेस को ऐड किया, ठीक है, तो मान लीजिए रिजल्टेंट हमें मिल गया एफ। तो सीधी सीधी बात है बच्चों, इस एफ की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होगी 10 माइनस 3 यानी कि 7 न्यूटन, और इस फोर्स की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू होगी बच्चों 10 प्लस 3 यानी कि 13 न्यूटन। बात समझ में आ गई, यानी कि ये जो फोर्स है बच्चों आप कह सकते हो 7 न्यूटन से लेकर के 13 न्यूटन के बीच में कुछ भी हो सकता है, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, ठीक है बच्चों। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। एक और इंपॉर्टेंट केस देख लो बच्चों, अगर मान लीजिए कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोनों मान लो सेम हो, मान लो ये ए नॉट हो, और बच्चों यहां पर थीटा दोनों के बीच का एंगल हो, ठीक है, तो रिजल्टेंट क्या होगा जरा देखिएगा बच्चों। रिजल्टेंट अभी हमने क्या लिखा था, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए बी, और बच्चों यहां पर हम क्या लिख रहे थे कॉस थीटा। अब देखना जो मैं बता रहा हूं डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, यहां पर आप देखो तो ये 2a नॉट स्क्वायर हो गया, 2a नॉट स्क्वायर हो गया, तो बच्चों यहां से जैसे a नॉट हमने बाहर कर लिया और यहां पर 2 कॉमन कर लो तो 1 प्लस कॉस थीटा हो गया,
है ना, कई बार डायरेक्ट ये पूछ लिया जाता है। दूसरा बच्चों, हम कॉस थीटा को अगर लिखें 2 cos² θ/2 - 1, हमने बच्चों फॉर्मूला लगा दिया, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos² θ - 1, मतलब जो एंगल बच्चों यहां है उसका आधा हो जाता है यहां पर, ठीक है। तो जैसे थीटा था तो थीटा का आधा क्या हो गया, थीटा बाय टू। अब बच्चों क्लियर दिख रहा है, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 2 into 2 = 4 हो गया, उसका रूट लिया 2 आ गया, तो बच्चों ये आ गया 2a0 cos θ/2। ये बच्चों यहां पर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ रहा है, डायरेक्ट याद रखिएगा। मतलब बच्चों अगर आपके पास दो वेक्टर हैं सेम मैग्नीट्यूड के, तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो डायरेक्ट आप 2a0 cos θ/2 लगा सकते हो। जैसे यहां पर देखो, मान लो बच्चों एक फोर्स है 10 न्यूटन का, एक दूसरा फोर्स है ये भी बच्चों 10 न्यूटन का है, और इनके बीच में एंगल है 60 डिग्री। बच्चों अगर आप इनको ऐड करते हो तो जो रिजल्टेंट आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, क्या फॉर्मूला था बच्चों, 2a0 cos और जो भी एंगल है उसका आधा। तो बच्चों यहां पर क्या लिखेंगे, 2 किसी भी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन, cos 60 डिग्री का आधा हुआ बच्चों 30 डिग्री। तो ये हो गया 2 into 10 into बच्चों ये कितना हो गया, √3/2, यानी आंसर आ गया 10√3। तो इस तरीके से आप यहां पर रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला भी बच्चों ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहां पर अब हम देखने जा रहे हैं किसी भी वेक्टर का नेगेटिव कैसे फाइंड करते हैं। समझिएगा बच्चों नेगेटिव का मतलब क्या है। देखो जैसे मान लीजिए बच्चों हमारे पास यहां पर एक वेक्टर है, ठीक, और इस वेक्टर को हम बोल रहे हैं ए वेक्टर है। अब इस वेक्टर का अगर हमें नेगेटिव फाइंड करना है तो वो क्या होगा, वो बच्चों ये होगा, मतलब कि माइनस ए वेक्टर। क्या मतलब है, ध्यान से देखो बच्चों, दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों एरोस की लेंथ सेम है, तो मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन बच्चों डायरेक्शन ऑपोजिट है, है ना। ये देखो मैग्नीट्यूड बच्चों सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो आपको किसी भी वेक्टर का नेगेटिव चाहिए हो, बस डायरेक्शन को पलट दो, मैग्नीट्यूड को सेम रखो, आपको नेगेटिव वेक्टर मिल जाएगा, सही है। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। अब बच्चों इसी के बेसिस पर हम फाइंड करेंगे कि दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। समझिएगा, जैसे मान लीजिए बच्चों हमारे पास यहां पर ए वेक्टर है और उसमें से बी वेक्टर को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो बच्चों वेक्टर सब्ट्रैक्शन जो है वो कोई अलग चीज नहीं है, वो वेक्टर एडिशन ही है, बस उसको लिखने का तरीका हम बदल देते हैं। ध्यान से देखो, क्या बच्चों a माइनस बी को हम ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस नेगेटिव ऑफ b, मतलब बच्चों a माइनस बी क्या है, a प्लस, और यहां पर बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, नेगेटिव ऑफ b वेक्टर। मतलब बच्चों ये हुआ कि अगर हमें दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करना है तो हम क्या करेंगे, एक वेक्टर तो एज इट इज ले लेंगे और दूसरे का नेगेटिव ले लेंगे और उनको ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे, है ना। तो यहां पर भी हम क्या कर रहे हैं, ऐड ही कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे मान लो बच्चों यहां पर आपके पास है ए वेक्टर, ए वेक्टर से जो बी वेक्टर है वो बच्चों थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। ए वेक्टर से बच्चों बी वेक्टर कितना एंगल बना रहा है, थीटा। अब हमसे बोला गया ए माइनस बी बताओ क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, जरा तरीका समझना बच्चों, हम यहां पर बोलेंगे कि भाई ठीक है ये हमारे पास ए वेक्टर हो गया, ठीक है, अगर हमें इसमें बी वेक्टर ऐड करना होता तो हम बच्चों ये ऐड करते, ठीक है, जो ए वेक्टर की डायरेक्शन से थीटा एंगल पर था, लेकिन हमें इसमें बी नहीं ऐड करना है, क्या ऐड करना है, माइनस बी। तो बच्चों माइनस बी क्या होगा, अगर हम यहां पर बी का उल्टा कर दें, मैग्नीट्यूड सेम रखें केवल डायरेक्शन पलट दें, तो हमें माइनस बी मिल जाएगा। अब बच्चों ये बताओ ए वेक्टर की डायरेक्शन से माइनस बी कितना एंगल बना रहा है, क्या 180 माइनस थीटा नहीं बना रहा है, ए वेक्टर की डायरेक्शन से माइनस बी कितना एंगल बना रहा है, 180 माइनस थीटा। तो बच्चों ए और माइनस बी का जो रिजल्टेंट है वो ये आएगा, जिसको आप ए माइनस बी भी लिख सकते हो, ए और माइनस बी का रिजल्टेंट ए माइनस बी। अब बच्चों अगर आपको यहां पर ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड चाहिए तो कैसे मिलेगा, ध्यान से सुनो भाई, है क्या बेसिकली ए और माइनस बी का रिजल्टेंट है ना, तो ध्यान से सुनना, हमारे पास ए वेक्टर है ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर है माइनस बी वेक्टर, और इनके बीच का एंगल है पाई माइनस थीटा। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर और उनके बीच का एंगल है बच्चों पाई माइनस थीटा। तो रिजल्टेंट क्या आएगा, ध्यान से देखो, पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ए स्क्वायर। बच्चों माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो वही होगा जो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, यानी कि बी। तो पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस दोनों के बीच में एंगल। बस यहां पर थोड़ा सा सावधान हो जाना, कॉस पाई माइनस थीटा लिखेंगे। अब बच्चों आपको पता है जो कॉस पाई माइनस थीटा होता है वो माइनस कॉस थीटा होता है, मतलब बच्चों ये आ जाएगा √a²
प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा। तो ये बच्चों आपको मिल जाएगा a माइनस बी का रिजल्टेंट, ठीक है, मतलब a माइनस बी जो भी आ रहा है, a और माइनस बी का रिजल्टेंट, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब बच्चों जिस तरीके से हमने ये फाइंड किया था कि अगर दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के हैं तो उनका जो सम है उसका मैग्नीट्यूड बच्चों कितना आया था, 2a नॉट cos थीटा बाय 2। इसी तरीके से बच्चों अगर डिफरेंस की बात की जाए तो जरा समझिएगा बच्चों, मान लीजिए a वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वही b वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, इसको आप a नॉट मान लीजिए, और बच्चों a और b के बीच में एंगल कितना है, थीटा। बच्चों यहां पर ध्यान देना, जो थीटा है वो क्या है, एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर। तो जरा समझिएगा बच्चों, अभी हमने देखा था अगर हम a और b को ऐड करते हैं तो इनका जो रिजल्टेंट आया था वो आया था 2a नॉट cos थीटा बाय 2। अब हम करने जा रहे हैं डिफरेंस। बच्चों अभी आपने देखा है कि जो a माइनस बी आप करोगे, ठीक है, उसका जो रिजल्टेंट आएगा बच्चों क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा, जहां पर बच्चों थीटा क्या है, a और b के बीच का एंगल है। अब जरा समझना बच्चों ध्यान से कैसे सॉल्व करेंगे, बस फटाफट वैल्यू पुट कर दो बच्चों, ये a नॉट, ये a नॉट, ये a नॉट, तो a नॉट तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, यहां पर 2 और यहां 1 माइनस कॉस थीटा। बच्चों अब हम कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ताकि बच्चों 1 से 1 कैंसिल हो जाए, और जैसे ही 1 कैंसिल होगा ये आ जाएगा 2a नॉट साइन थीटा बाय 2। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, डायरेक्ट याद रखना है आपको ये, ठीक है, डायरेक्ट याद रखना है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पर। बच्चों यहां पर देखो क्या रिजल्ट आ रहा है कि अगर आप दो वेक्टर का डिफरेंस लेते हो तो उसका मैग्नीट्यूड मिलेगा 2a नॉट साइन थीटा बाय 2। बस शर्त क्या है बच्चों, शर्त यह है कि दोनों सेम मैग्नीट्यूड के होने चाहिए, ठीक है, बात समझ में आ गई। बच्चों कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आपको बताता हूं, देखो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, आपको बोला जाता है a वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू b वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, मतलब ऐसे कुछ दे रखा है कि दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम है, और बच्चों आपसे पूछा जाता है उनके बीच का एंगल क्या होना चाहिए, और कंडीशन क्या दे रखी है कि जब हम a प्लस बी कर रहे हैं तो इसका मैग्नीट्यूड रूट थ्री टाइम्स आ रहा है a माइनस बी के। अब बच्चों ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आप फॉर्मूले से कर सकते हो, देखो कैसे, बताओ a प्लस बी करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, 2a नॉट cos थीटा बाय 2, और बच्चों a माइनस बी करेंगे तो क्या आएगा, 2a नॉट sin थीटा बाय 2। अब बच्चों यहां पर बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, 2a नॉट से 2a नॉट कैंसिल हो गया, तो बच्चों और cos को इधर लाओगे तो ये बन जाएगा tan थीटा बाय 2, है ना, sin बाय cos, और बच्चों रूट थ्री को इधर लाओगे तो ये 1 बाय रूट थ्री बन गया। अब सोचो अगर tan थीटा बाय 2 की वैल्यू बच्चों 1 बाय रूट थ्री है तो जो एंगल है थीटा बाय 2 वो हो गया 30 डिग्री, इसका मतलब बच्चों थीटा कितना हो गया 60 डिग्री। तो इस तरीके से आप ये अप्रोच लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब बच्चों हम यहां पर देखने जा रहे हैं कि जिस तरीके से बच्चों हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन देखा उसी तरह से हम देखने जा रहे हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि बच्चों हमने बोला कि हमारे पास यहां पर ए वेक्टर है, अब आपने कहा सर मुझे ए वेक्टर में बी वेक्टर ऐड करना है, तो हमने कहा भाई ए वेक्टर की डायरेक्शन से थीटा एंगल पर हमने बी वेक्टर को ऐड कर दिया, ठीक है, ध्यान से समझना। तो आप बोलोगे सर इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, हम कहेंगे इसका रिजल्टेंट आएगा ये, तो बच्चों ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो कोई बच्चा कहे कि सर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की जगह अगर हम बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर करें तो क्या करना होगा, तो एक काम कर सकते हैं, देखो बच्चों a प्लस बी किया तो ये आ गया, अब हमें b प्लस ए करना है तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहां से हम पहले ड्रॉ करेंगे b वेक्टर, ठीक है ना, ये देखो हमने यहां पर पहले क्या ले लिया बच्चों, b वेक्टर ले लिया, ये है ना b वेक्टर एज इट इज, बच्चों डायरेक्शन वही रखी, मैग्नीट्यूड वही रखा, तो वेक्टर भी b वेक्टर रहा, ये b वेक्टर है तो ये भी बच्चों यहां पर क्या है b वेक्टर है, सही है, और b वेक्टर ऐड करने के बाद अब हम इसमें बच्चों a वेक्टर ऐड करेंगे, तो ये देखो ये बच्चों हमारे पास क्या हो गया यहां पर a वेक्टर हो गया। तो हमने बच्चों यहां पर b प्लस a किया, तो ध्यान से देखो बच्चों रिजल्टेंट तो अभी भी वही आ रहा है, ये देखिए रिजल्टेंट तो बच्चों अभी भी वही आ रहा है a, मतलब अगर आप देखो तो इसको हम लिख सकते हैं b वेक्टर प्लस a वेक्टर, मतलब बच्चों हमने a प्लस b किया तो हमें ये मिल गया, हमने b प्लस a किया तो भी हमें वही मिल गया, इसका मतलब बच्चों हम यहां पर एक बात तो ये बोल सकते हैं कि हम a प्लस बी करें या फिर बच्चों हम b प्लस ए करें
रिजल्ट यहां पर सेम रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं है। एक और बात समझ में आई क्या बच्चों? ये पैरेललोग्राम नहीं बन गया, और इस पैरेललोग्राम में देखो तो बच्चों ए ये है, बी ये है, और जो बच्चों मेजर डायगोनल है, जो बड़ी वाली डायगोनल है, वो बच्चों ए प्लस बी को रिप्रेजेंट कर रही। मतलब क्या है? अगर हम पैरेललोग्राम की एक साइड को ए वेक्टर से रिप्रेजेंट करें और एडजेसेंट साइड को बच्चों हम बी वेक्टर से रिप्रेजेंट करें, और बच्चों पैरेललोग्राम इस तरीके से कंप्लीट करें, समझना, पैरेललोग्राम इस तरह से कंप्लीट करें, तो बच्चों यहां पर जो मेजर डायगोनल होगी, ठीक है, समझिएगा, जो बच्चों यहां पर मेजर डायगोनल होगी वो किसको रिप्रेजेंट कर रही होगी? वो बच्चों ए प्लस बी को रिप्रेजेंट कर रही होगी। मतलब आप बोल सकते हो जो मेजर डायगोनल है वो यहां पर ए प्लस बी को रिप्रेजेंट करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि पैरेललोग्राम में जो मेजर डायगोनल है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, तो बच्चों वो ए प्लस बी को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। अब एक चीज बच्चों और समझिएगा जरा, यहीं पर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों। यहां पर अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि भाई मेरे पास ये ए वेक्टर है, ठीक, और ये बच्चों यहां पर बी वेक्टर है, और मैं आपसे पूछूं बताओ ये वेक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो आप थोड़ी देर के लिए मान लो बच्चों ये एक्स वेक्टर होगा। अब ध्यान से देखना बच्चों, ये हो गया ए वेक्टर, और जहां ए एंड हुआ वहीं से हमने एक्स उसमें ऐड कर दिया, तो आपको नहीं लग रहा रिजल्टेंट बी वेक्टर आ जाएगा? मतलब हम क्या बोल रहे हैं, हमने ए वेक्टर ड्रॉ किया, जहां ए एंड हुआ वहीं से बच्चों हमने एक्स वेक्टर ऐड कर दिया, तो बच्चों देखो इनिशियल से फाइनल डायरेक्ट पहुंच गए बी वेक्टर। मतलब आप क्या बोल सकते हो कि जो काम a प्लस एक्स कर रहे हैं मिल करके, वो काम अकेला b कर रहा है, ठीक। तो बच्चों यहां से अगर आप देखो तो जो x वेक्टर आ रहा है वो क्या आ रहा है? वो आ रहा है बच्चों b माइनस a। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर एक वेक्टर है a वेक्टर, दूसरा वेक्टर है बच्चों b वेक्टर, और कोई एक ऐसा वेक्टर है जो a के हेड से स्टार्ट होके b के हेड पे एंड हो रहा है, तो बच्चों वो जो होगा वो क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल। तो इनिशियल आप a पर थे, फाइनली आप बच्चों बी पर है, तो एक्स वेक्टर क्या हो गया? बी माइनस ए हो गया। मैं इसको अलग से ड्रॉ करके एक बार और समझाता हूं। आप देखो, जैसे मान लो बच्चों यहां पर ए वेक्टर है, ये हमारे पास बी वेक्टर है, तो यहां पर अगर आपसे पूछा जाए बताओ ये कौन सा वेक्टर होगा, तो आप बोलोगे स्टार्ट कहां से हुआ? बी से। एंड कहां पर हुआ? ए पर। तो आप बोलोगे सर ये ए माइनस बी है, ठीक है। इसका मतलब बच्चों ये भी हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास ए वेक्टर है, हमारे पास बी वेक्टर है, और बच्चों इसको कंप्लीट करके एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दें, तो जो ये माइनर डायगोनल होगी, मेजर की बात नहीं कर रहे हैं, जो माइनर डायगोनल होगी, चाहे ये हो चाहे ये हो, ये बच्चों किसको रिप्रेजेंट करेंगे? ए माइनस बी को या बी माइनस ए को? देखो बच्चों ये वाली जो है वो बी पे खत्म हो रही है, तो ये बी माइनस ए होगी, ये वाली ए पर एंड हो रही है, तो ये ए माइनस बी होगी। तो जो माइनर डायगोनल है, माइनर डायगोनल है, वो बच्चों यहां पर ए माइनस बी या फिर बी माइनस ए को रिप्रेजेंट करेगी। क्या ये बात समझ में आती है? तो बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, देखते हुए चलिए बच्चों। अब हम बात करने जा रहे हैं यूनिट वेक्टर की, ठीक है। यूनिट वेक्टर बच्चों वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड वन होता है। मतलब कि बच्चों अगर हम किसी को बोल रहे हैं कि वो यूनिट वेक्टर है, तो इसका मतलब है कि बच्चों उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो बच्चों वन यूनिट होगा, ठीक है। मतलब बच्चों अगर किसी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो वन यूनिट है, तो उसको हम बोल सकते हैं कि वो यूनिट वेक्टर है, ठीक। अच्छा अब समझना, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। मान लीजिए बच्चों कोई एक वेक्टर है, उस वेक्टर की डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर चाहिए, तो पहले तो आप समझो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, मतलब बच्चों ए वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए, तो हमने ए लिखा, उसके ऊपर एक कैप बना दी, इसको बोलते हैं ए कैप। क्या बोलते हैं? ए कैप, ठीक है। इसको बोलते हैं बच्चों ए कैप। तो ए कैप क्या है? ए वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, मतलब ए वेक्टर की डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों? वन। बच्चों अब हम बात करते हैं कि जो ए कैप है वो हम फाइंड कैसे करेंगे। ध्यान से देखो बच्चों, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में अगर आपको यूनिट वेक्टर चाहिए, तो आप क्या करोगे? उस वेक्टर को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे। मतलब क्या है बच्चों? ए वेक्टर को अगर हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, तो हमें ए वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। सोचो भाई, मान लो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 30 था, आपने 30 से डिवाइड कर दिया, 30 से 30 कैंसिल हो गया, मैग्नीट्यूड कितना बचा? 1। तो वो हो गया बच्चों यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर को क्या लिख सकते हैं? ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड।
तो बच्चों एक तो ये इंपॉर्टेंट बात है, दूसरा अगर आप बच्चों यहां से उस वेक्टर को लिखोगे तो क्या आएगा, ये इधर चला जाएगा, यानी मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो बच्चों जो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है वो कहीं ना कहीं डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है, क्योंकि ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, ये डायरेक्शन हो गई, कंप्लीट मिला के वेक्टर बन गया। ठीक, अब बच्चों इसके बाद एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, वो है किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट क्या होते हैं। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, यहां पर अगर आप देखो तो ए वेक्टर है, ए वेक्टर में हमने बी वेक्टर ऐड किया तो हमें रिजल्ट क्या मिल गया, सी वेक्टर। यानी बच्चों सी वेक्टर क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब सुनना, अगर बच्चों सी वेक्टर है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसका मतलब यह हो गया कि ए वेक्टर और बी वेक्टर को मिलाया तब हमें सी वेक्टर मिला। बात समझ, कॉम्पोनेंट का मतलब क्या होता है, उसके पार्ट्स। ठीक है, बात समझ में आ गई। जैसे कोई मान लो ऑब्जेक्ट है, वो चार चीजों से मिलके बनी है, तो वो चार चीजें उस ऑब्जेक्ट के कॉम्पोनेंट हो गए। उसी तरह बच्चों ए और बी को जब हम मिलाते हैं तो हमें सी मिल जाता है, तो हम यहां पर क्या बोल सकते हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर जो होंगे वो बच्चों कॉम्पोनेंट्स होंगे, वो कॉम्पोनेंट्स होंगे किसके, सी वेक्टर के। बच्चों इसी तरह से यहां पर देखो, जब हमने ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर ऐड किया, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर ऐड किया, तो हमें बच्चों मिल गया डी वेक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, ये सब क्या है बच्चों, कॉम्पोनेंट है, कॉम्पोनेंट है किसके, डी वेक्टर के। सही है। अब बच्चों इसी के साथ एक कॉन्सेप्ट आता है, वो होता है कि जैसे इस क्वेश्चन में देखो आपको समझ में आ जाएगा। बच्चों यहां देखो, हमारे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना बच्चों, 4 यूनिट। हमें बोला गया है कि दो वेक्टर हैं, पी वेक्टर और क्यू वेक्टर। ये पी और क्यू जो हैं वो बच्चों ए वेक्टर के कॉम्पोनेंट्स हैं। सुनना जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से, पी वेक्टर और क्यू वेक्टर बच्चों ए वेक्टर के कॉम्पोनेंट्स हैं, और पी और क्यू के मैग्नीट्यूड सेम है। तो आपको बताना है पी और क्यू के मैग्नीट्यूड क्या होंगे। मतलब क्या, सुनो बच्चों, अगर P वेक्टर और Q वेक्टर A वेक्टर के कॉम्पोनेंट हैं, तो P और Q को ऐड करने पर A वेक्टर आना चाहिए। तो बच्चों ये तो सीधे सीधे वेक्टर एडिशन हो गया ना, कि दो वेक्टर हमने ऐड किए तो रिजल्टेंट मिल गया। अब एक बात और बताओ बच्चों, अगर दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के हों, जैसे मान लो P का मैग्नीट्यूड x है, Q का मैग्नीट्यूड भी x है, तो रिजल्टेंट क्या आएगा बच्चों, 2x cos, और दोनों के बीच में जो एंगल है उसका आधा, तो दोनों के बीच में जो एंगल है 60, उसका आधा हो गया 30। ठीक है, तो बच्चों P और Q का रिजल्टेंट ये आ गया। क्या ये A के बराबर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो बच्चों ये 2x cos 30 कितना हो गया, रूट 3 बाय 2, A का मैग्नीट्यूड है 4, तो x की वैल्यू बच्चों यहां पर कितनी आ गई, 4 बाय रूट 3। ठीक है, मतलब बच्चों यहां पर क्या है, P और Q जो होंगे उनके मैग्नीट्यूड क्या होंगे, 4 बाय रूट 3, 4 बाय रूट 3। देखा ना कितना मजेदार कॉन्सेप्ट था। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हम बात करते हैं किसी भी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स। बच्चों रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स का मतलब होता है ऐसे कॉम्पोनेंट्स जो आपस में परपेंडिकुलर हो। जैसे अगर मैं आपको बोलूं R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर, तो आप बोलोगे सर A वेक्टर और B वेक्टर क्या है, कॉम्पोनेंट्स है R वेक्टर के। लेकिन अगर बच्चों A वेक्टर और B वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, तो हम बोलेंगे कि जो A वेक्टर और B वेक्टर है वो यहां पर रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स हैं। बात समझ में आ गई, रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स हैं आर वेक्टर के। मतलब अगर कॉम्पोनेंट्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो तो वो रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, अब जरा यहां पर आइए बच्चों, अगर आप यहां देखो तो ए वेक्टर के हमने दो कॉम्पोनेंट लिए हैं, एक तो बच्चों ये है, इसको हम मान लेते हैं यहां पर ए एक्स, और इसको हम मान लेते हैं बच्चों ए वाई, और इस एंगल को मान लेते हैं थीटा। ठीक है, तो हम बच्चों क्या बोलेंगे कि ये जो कॉम्पोनेंट है और ये जो कॉम्पोनेंट है ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इसलिए दोनों रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स होंगे। अब बच्चों यहां पर क्या आप सीधे सीधे साइन थीटा अप्लाई कर सकते हो, साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी बच्चों ये हो गया ए वाई अपॉन ए, यहां से ए वाई की वैल्यू बच्चों क्या आ गई, ए साइन थीटा। इसी तरह से बच्चों अगर आप कॉस थीटा अप्लाई करते हो तो ये आपका हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी बच्चों ए एक्स अपॉन ए, तो यहां से बच्चों ए एक्स की वैल्यू आ जाएगी ए कॉस थीटा। कुछ समझ आया क्या मतलब है इसका, ध्यान से सुनो, अगर आपको बच्चों ए वेक्टर दिया गया है और यहां पर मान लीजिए ये एंगल थीटा है, ठीक है सुनना ध्यान से, तो बच्चों इस ए वेक्टर का एक कॉम्पोनेंट हम करेंगे थीटा वाली डायरेक्शन में और दूसरा कॉम्पोनेंट करेंगे थीटा के परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन में।
तो जो थीटा वाली डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा वो बच्चों होगा कॉस थीटा, और जो थीटा के परपेंडिकुलर आएगा मतलब थीटा के सामने जो आएगा वो साइन थीटा होगा। तो याद रखना भी आसान है, जो सामने है वो साइन है, जो सामने है वो साइन है, ठीक है, ऐसे याद रहेगा। तो थीटा वाली डायरेक्शन में कंपोनेंट बच्चों कॉस थीटा, और जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ रहा है वो क्या है, साइन थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। बच्चों यहां पर देखो, जैसे मान लीजिए कि हमें यहां पर एक वेक्टर गिवन है जिसका मैग्नीट्यूड है 10 यूनिट्स, और बच्चों ये एक्स डायरेक्शन से मान लीजिए 60 डिग्री एंगल बना रहा है, तो आपको बताना है एक्स डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट क्या और वाई डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट क्या है। तो बच्चों देखो, यहां पर हमें पता है कि जो एक्स डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट है मतलब 60 डिग्री वाली डायरेक्शन में जो कॉम्पोनेंट है वो क्या होगा बच्चों, यहां पर सीधे सीधे हम लिख सकते हैं 10 cos 60, मतलब बच्चों हो गया 10 into 1/2 यानी कि 5 यूनिट्स, ठीक है। और बच्चों अगर हम वाई डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट लिखें, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, 10 sin 60 यानी कि आप कह सकते हो 10 into root 3/2 यानी कि बच्चों ये हो जाएगा 5√3 यूनिट्स। मतलब बच्चों यहां पर आप बोल सकते हो कि अगर ये 10 है तो इसका x डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आया बच्चों, 5 यूनिट्स, और बच्चों y डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आ गया, 5√3 यूनिट्स। तो इस तरीके से बच्चों हम कंपोनेंट्स कर सकते हैं किसी भी वेक्टर के। अब एक और इंपॉर्टेंट बात है उसको देखते हैं। बच्चों यहां पर देखो, आपने कहा सर ये ax है, आपने कहा सर ये ay है, और इनका जो रिजल्टेंट आपको मिल रहा है वो क्या मिल रहा है बच्चों, ये a वेक्टर मिल रहा है, सही है। तो अब जरा समझना बच्चों, हम जानते हैं कि अगर हम बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर कर दे तो हमें हाइपोटेनियस का स्क्वायर मिल जाएगा, यानी कि बच्चों यहां से अगर आप देखो तो a हमें क्या मिल गया, स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, यानी बच्चों किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ उसके कॉम्पोनेंट्स के स्क्वायर का सम, ठीक है। जैसे मान लीजिए बच्चों आपको एक वेक्टर दिया जाए 2i कैप प्लस 3j कैप, बच्चों i कैप क्या है, x डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, ठीक है, मतलब अगर आप x डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर देखोगे तो i कैप है, y डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर देखोगे j कैप है, और अगर आप z डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर देखोगे तो k कैप है, ठीक। तो बच्चों x डायरेक्शन में 2 चलते हैं, y डायरेक्शन में 3 चलते हैं, तो एक वेक्टर हमें मिल गया 2i + 3j। अब अगर आपसे कहा जाए बताओ इस वेक्टर का x डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट क्या, तो आप बोलोगे 2 है। इस वेक्टर का बच्चों y डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट क्या है, 3 है। अब अगर हमसे पूछा जाए इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, तो हम कहेंगे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर और वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, उनको सम कर दो। तो बच्चों यहां पर 2 का स्क्वायर किया 4 आ गया, 3 का स्क्वायर किया 9 आ गया, इसका रूट लेंगे तो बच्चों आपको मिल जाएगा √13। तो इस तरीके से हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं, ठीक। अब बच्चों एक चीज और समझो, मान लीजिए आपको एक वेक्टर गिवन है आई कैप प्लस √3j कैप, आपसे बोला गया फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, मतलब बच्चों इस ए वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हमें बताना है। तो बच्चों यूनिट वेक्टर क्या होता है, आपको पता है अगर उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो बच्चों यहां पर देखो वेक्टर क्या है, आई प्लस √3j, और बच्चों इसका मैग्नीट्यूड क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। तो बच्चों ये हो गया आई प्लस √3j डिवाइडेड बाय बच्चों 1 और 3 4 का रूट किया 2, तो ये आपको यहां पर क्या मिल जाएगा, यूनिट वेक्टर, ठीक है ना। अब एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझो बच्चों, अगर मान लीजिए जो वेक्टर है उसका एक्स कंपोनेंट आपको दे रखा है, वाई कंपोनेंट आपको दे रखा है, और जेड कंपोनेंट भी आपको दे रखा है। अब आपसे बोला गया इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ, तो बच्चों हम डायरेक्टली लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। बच्चों अगर दो कॉम्पोनेंट थे तो रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर था, अगर तीनों हैं तो तीनों को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बच्चों और छोटी छोटी बात समझो, जैसे मान लीजिए कि हमें यहां पर कोई एक वेक्टर दे रखा है, वो एक्स डायरेक्शन से मान लीजिए बच्चों अल्फा एंगल बनाता है, इसी तरीके से बच्चों यहां पर वाई डायरेक्शन भी दे रखी है, जेड डायरेक्शन भी दे रखी है, ठीक है ना। तो ये y डायरेक्शन से बच्चों मान लीजिए बीटा एंगल बनाता है, और z डायरेक्शन से मान लीजिए गामा एंगल बनाता है, ठीक। मैंने आपको अभी क्या बताया था, किसी भी वेक्टर का थीटा वाली डायरेक्शन में कंपोनेंट होता है a cos थीटा, ठीक। मतलब क्या है सुनो बच्चों, अगर हम a वेक्टर का x डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालेंगे तो आ जाएगा a cos अल्फा, a वेक्टर का y डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालेंगे a cos बीटा,
ए वेक्टर का जेड डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालेंगे तो बच्चों आएगा ए कॉस गामा। सोचो अगर हम इन तीनों का स्क्वायर करके ऐड कर दें तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर क्या आ जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर ब्रैकेट में क्या आएगा बच्चों, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। अब बच्चों यहां पर आप जानते हो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर जो है वो तो बच्चों ए स्क्वायर के इक्वल है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। मतलब बच्चों क्या मिला, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये बच्चों यहां पर किसके इक्वल आ रहा है, वन के इक्वल आ रहा है। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, अगर आपको अल्फा बीटा गामा में कोई दो वैल्यू पता हो तीसरी पूछी जाए तो आप इसी का यूज करके फाइंड करोगे। ठीक है, एक क्वेश्चन से मैं आपको समझाता हूं। देखो बच्चों जैसे मान लीजिए आपको वेक्टर गिवन है आई प्लस रूट टू जे प्लस के, ठीक है, ये बच्चों आपको वेक्टर दे रखा है। आपसे पूछा गया बताओ ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट क्या है, तो आप बोलोगे सर आई के साथ वन लिखा है तो एक्स कंपोनेंट वन हो गया। ए वेक्टर का बच्चों वाई कंपोनेंट क्या है, रूट टू। ए वेक्टर का जेड कंपोनेंट क्या है, वन। अगर आपसे पूछा जाए ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है तो आप बोलोगे रूट ऑफ वन स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर और वन स्क्वायर, तो बच्चों वन और वन टू और टू फोर, फोर का रूट हो गया टू, तो बच्चों मैग्नीट्यूड हो गया टू। अब सुनो अगर आपसे पूछा जाए कि ये वेक्टर बच्चों एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है वाई के साथ जेड के साथ कितना एंगल बना रहा है तो क्या करेंगे, ध्यान से देखो बच्चों में पता है एक्स कंपोनेंट क्या होता है, ए कॉस अल्फा, बच्चों एक्स कंपोनेंट क्या है वन और ए का मैग्नीट्यूड क्या है टू, तो बच्चों यहां से कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, वन बाय टू, यानी अल्फा की वैल्यू आपको मिल गई 60 डिग्री। इसी तरीके से बच्चों आप कर सकते हो, यहां पर आप बोलोगे वाई कॉम्पोनेंट क्या होगा, ए कॉस बीटा। अब बच्चों वाई डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट रूट टू, ए का मैग्नीट्यूड है टू, यहां हो गया कॉस बीटा, बच्चों कॉस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई यहां से, वन बाय रूट टू, यानी कि बच्चों बीटा की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। इसी तरीके से बच्चों अगर हमें जेड के साथ एंगल निकालना हो तो हम बोलेंगे जेड कॉम्पोनेंट क्या होगा, ए कॉस गामा, तो बच्चों जेड कॉम्पोनेंट कितना है वन, ए कितना है टू, यहां हो गया कॉस गामा, तो बच्चों कॉस गामा कितना आ गया, वन बाय टू, तो गामा कितना आ गया बच्चों 60 डिग्री। यानी कि बच्चों एक्स एक्सिस से वो 60 बना रहा है, जेड से भी 60 बना रहा है और वाई से 45 बना रहा है। और एक और मजेदार बात, अगर तीनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो तो वन के इक्वल आएगा, मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा कर दो तो वन आना चाहिए। अब बच्चों यहां देखो कॉस 60 कितना होगा, कॉस 60 होगा 1/2, उसका स्क्वायर करोगे 1/4, बच्चों कॉस 45 1/√2, उसका स्क्वायर किया 1/2, फिर से ही बच्चों ये 1/4 आ गया। देखो जरा ये भी वन ये भी वन, मतलब कि बच्चों प्रूफ हो गया कि ये बिल्कुल सही है। ठीक है, यहां तक समझ में आता है, आगे बढ़ते हैं। बच्चों अब हम बात करने जा रहे हैं कि दो वेक्टर्स का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं यानी कि उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों डॉट प्रोडक्ट। बच्चों डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, समझिएगा बच्चों। अगर हम दो वेक्टर्स को कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट आपको मिले स्केलर, तो उसको हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। और स्केलर प्रोडक्ट को बच्चों रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहां पर डॉट यूज करते हैं, इसीलिए इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब होता क्या है बच्चों, अगर आपके पास मान लीजिए ए वेक्टर है, दूसरा आपके पास बच्चों यहां पर बी वेक्टर है और इनके बीच में एंगल है थीटा, तो बच्चों ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो होगा ए बी कॉस थीटा। ठीक है, ये तो एक तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए बच्चों, ए डॉट बी क्या आएगा, ए बी कॉस थीटा, यानी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। इसमें बच्चों कुछ स्टैंडर्ड है, जैसे कि मान लीजिए बच्चों दो वेक्टर है और वो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट आप करोगे वो क्या आएगा, ए बी, और सेम डायरेक्शन में तो एंगल कितना हो गया जीरो, तो बच्चों ये सीधे सीधे क्या आ गया, ए बी आ गया। मान लीजिए बच्चों यहां पर ए वेक्टर है और यहां पर बी वेक्टर है और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो बच्चों यहां पर जब आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ये आपको मिलेगा ए बी कॉस 90, कॉस 90 हो गया जीरो, तो इसलिए आ गया जीरो। इसी तरीके से मान लीजिए बच्चों ए वेक्टर और ये जो बी वेक्टर है ये एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो बच्चों यहां पर आप जब ए डॉट बी करोगे तो ए डॉट बी आपको मिलेगा ए बी और कॉस यहां पर कितना है बच्चों 180, क्योंकि कॉस 180 माइनस 1 होता है, इसलिए बच्चों ये आ जाएगा माइनस ए बी। ठीक है, यानी कि बच्चों डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव भी हो सकता है और डॉट प्रोडक्ट जीरो भी हो सकता है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो बच्चों उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो। जैसे कि
मान लीजिए बच्चों हम आई कैप और जे कैप का डॉट प्रोडक्ट करें तो ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा। आप बच्चों आई कैप और के कैप का डॉट प्रोडक्ट करो, परपेंडिकुलर है तो रिजल्ट जीरो आएगा। आप बच्चों जे कैप और के कैप का डॉट प्रोडक्ट करो, परपेंडिकुलर है इसलिए रिजल्ट जीरो आएगा। तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का बच्चों डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो होता है, इसीलिए आई का जे या के से नहीं करेंगे, जे का के और आई से नहीं करेंगे। आप समझ रहे हैं कि जो परपेंडिकुलर है उनका वैसे ही जीरो आना है, तो उससे हमें क्या मतलब। तो हम आई का आई से करेंगे, जे का जे से करेंगे, के का के से करेंगे। यानी कि अगर हम बच्चों आई और आई का करते हैं तो क्या मिलेगा, तो बच्चों अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो रिजल्ट आता है दोनों के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लीकेशन, यानी ये भी। तो बच्चों आई का मैग्नीट्यूड वन, आई का मैग्नीट्यूड वन, तो ये आ गया वन। अगर आप बच्चों जे कैप का जे कैप के साथ करते हो तो वन, अगर आप के कैप के साथ करते हो तो भी वन। अब जरा एक बच्चों क्वेश्चन देखो, अगर आपसे बोला जाए कि हमारे पास एक वेक्टर है 2 यूनिट और एक दूसरा वेक्टर है बच्चों इसका मैग्नीट्यूड है 3 यूनिट्स और इनके बीच में एंगल आपको गिवन है 60 डिग्री, तो बच्चों यहां पर अगर आप देखो तो ए डॉट बी कितना होगा, सीधे सीधे लगा सकते हैं फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड, कॉस दोनों के बीच में एंगल, तो बच्चों ये कितना आ जाएगा 3। बच्चों डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव भी आ सकता है, जैसे मान लो बच्चों ये 3 यूनिट्स है और ये आपको बच्चों यहां पर 2 यूनिट्स गिवन है और इनके बीच का एंगल मान लीजिए 120 है। अब आपसे कहा गया डॉट प्रोडक्ट करो, तो बच्चों ए डॉट बी करोगे तो क्या लिखोगे, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस दोनों के बीच में एंगल। बच्चों कॉस 120 होता है -1/2, तो यहां पर 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ गया -3। ठीक है, और अगर वेक्टर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा बच्चों, जीरो आएगा। ठीक है बच्चों, मान लीजिए आपको यहां पर इस तरह से दे रखा है कि ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, और बच्चों इसका हमें डॉट प्रोडक्ट करना है bx i कैप by j कैप और bz k कैप। ठीक है, तो कैसे करेंगे, मैंने अभी आपको बताया कि i का i से करेंगे, j का j से करेंगे, k का k से करेंगे, तब तो रिजल्ट मिलेगा। अगर i का j और k से करोगे तो जीरो आएगा, तो परपेंडिकुलर में हमें जाना ही नहीं है। बच्चों आई का आई से करोगे तो क्या मिलेगा, ax इंटू बी एक्स, आई कैप डॉट आई कैप होता है 1, प्लस बच्चों जे का जे से कर दो तो आपको मिलेगा ए वाई इंटू बी वाई, और बच्चों के का के से कर दो तो आपको मिल गया ए जेड इंटू बी जेड। जैसे मान लीजिए बच्चों क्वेश्चन आपके सामने ये आता है 2i + 3j + k और इसका बच्चों डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो i + 2j + k। अब बच्चों क्या करना है बताओ, जब आप आई का आई से करोगे तो 2 मिल जाएगा, जे का जे से करोगे 6 मिल जाएगा, के का के से करोगे 1 मिल जाएगा, तो बच्चों यहां पर कितना आ गया 9। तो इस तरीके से हम बच्चों डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं। कई बार बच्चों क्वेश्चन आपको डॉट प्रोडक्ट में इस तरह से मिलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए बच्चों ए वेक्टर आपको गिवन है 2i - 3j और बी वेक्टर गिवन है बच्चों α i + 5j, और आपको बच्चों यहां पर क्या गिवन है कि जो ए वेक्टर है वो बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। बच्चों अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं और आपको बोला गया है फाइंड अल्फा, कैसे फाइंड करेंगे, बहुत आसान है, हमें पता है कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो बच्चों उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। अब चलो डॉट प्रोडक्ट करो, बच्चों आई का आई से करोगे तो क्या आएगा 2α, जे का जे से करोगे बच्चों कितना आएगा -15, मतलब 5 × -3 जीरो हो गया, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 7.5, यानी कि 15/2। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बच्चों, डॉट प्रोडक्ट का एक और बहुत अच्छा यूज है, समझिएगा जरा। अगर हमें फाइंड करना हो, ध्यान से देखो, मान लो बच्चों एक आपको ए वेक्टर दे रखा है और बच्चों यहां पर ये हमारे पास क्या है, बी वेक्टर है और ये एंगल थीटा है। बच्चों एक कॉन्सेप्ट समझना, अगर मैं आपसे बोलूं ए वेक्टर का कंपोनेंट मुझे चाहिए बी वेक्टर की डायरेक्शन में, ए वेक्टर का कंपोनेंट चाहिए बी वेक्टर की डायरेक्शन में, वो भी डॉट प्रोडक्ट का यूज करके। देखो बच्चों, अगर हमें फाइंड करना हो कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, तो बच्चों हम कैसे करेंगे जरा समझना। बच्चों यहां पर देखो, ए वेक्टर का अगर कॉम्पोनेंट आप करते हो बी की डायरेक्शन में तो बच्चों ये आ जाएगा ए कॉस थीटा, तो आपने इसको लिख दिया ए कॉस थीटा। अब ध्यान से देखो, अगर हम बच्चों इसी ए कॉस थीटा में बी से मल्टीप्लाई और बी से डिवाइड कर दें, तो आप जरा देखो बच्चों, ये जो ए बी कॉस थीटा है ये यहां पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए डॉट बी,
और बच्चों डिवाइड किससे कर रहे हैं, बी से कर रहे हैं, तो बच्चों ये आ गया। अब क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए डॉट, और बच्चों ये हो गया बी वेक्टर अपॉन बी, और किसी भी वेक्टर को बच्चों अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो आपको यहां पर क्या मिल जाएगा, उस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो बच्चों ये आपको रिजल्ट याद रखना है, क्या है, ए वेक्टर का कॉम्पोनेंट बी की डायरेक्शन में, मतलब ए वेक्टर डॉट बी कैप, मतलब जिस वेक्टर का तुम्हें कॉम्पोनेंट चाहिए वो वेक्टर लिखा, डॉट जिसकी डायरेक्शन में चाहिए उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिखा। ठीक है, जरा एक क्वेश्चन देखो बच्चों, मान लीजिए आपसे बोला जाए कि हमारे पास ए वेक्टर है 2i कैप प्लस j कैप, और बच्चों हमें फाइंड करना है कॉम्पोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन द डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ, और बच्चों यहां पर जो b वेक्टर है वो आपको दे रखा है i कैप प्लस j कैप। ठीक, हमें बच्चों इस वेक्टर का कॉम्पोनेंट इसकी डायरेक्शन में फाइंड करना है, तो क्या तरीका होगा, ध्यान से देखें बच्चों, ए वेक्टर का कॉम्पोनेंट बी के डायरेक्शन में चाहिए तो ए वेक्टर डॉट बी कैप कर देंगे सीधा सीधा। तो बच्चों ए वेक्टर हमारे पास क्या है 2i प्लस j, और बच्चों इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे बी की डायरेक्शन से तो i प्लस j, और बच्चों मैंने कहा बी की डायरेक्शन कैसे मिलेगी, बी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होगा, और किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, मतलब ये 2 आ जाएगा। अब बच्चों देखो i का i से करोगे 2, j का j से किया 1 डिवाइडेड बाय रूट 2, तो बच्चों ये मिल गया 3 बाय रूट 2, है ना, ये बच्चों यहां पर इसका रिजल्ट हो जाएगा। आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो डायरेक्शन और साथ में लगा सकते हो, ठीक है, ये अप्रोच आपको यूज करनी है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम बात करने जा रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट, किसकी बात करने जा रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट की बात करने जा रहे हैं बच्चों, इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, मतलब बच्चों ये है कि दो वेक्टर को आप इस तरीके से मल्टीप्लाई करो कि रिजल्ट में वेक्टर आ जाए, दो वेक्टर को ऐसे मल्टीप्लाई करो कि रिजल्ट में वेक्टर आ जाए, उसको बच्चों हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक, और वेक्टर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए बच्चों हम क्रॉस साइन का यूज करते हैं, इसलिए हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब जरा समझना बच्चों, अगर ए क्रॉस बी आपको वेक्टर मिल रहा है तो इस वेक्टर का एक तो होगा मैग्नीट्यूड, ठीक है, और दूसरी होगी इस वेक्टर की डायरेक्शन। सबसे पहले मैं मैग्नीट्यूड के बारे में बात करूंगा बच्चों, मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या होता है बच्चों, ए बी साइन थीटा। और डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, तो बच्चों ध्यान से देखो, जैसे मान लो कि आपको ये ए वेक्टर दिया गया है, ये बी वेक्टर दिया गया है, और आपसे बोला गया कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन फाइंड करो, क्या फाइंड करो, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। तो आपको क्या करना है बच्चों, आपको यहां पर राइट हैंड रूल यूज करना है, जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनना बच्चों, क्या करना है आप ध्यान से सुने, आपको क्या करना है, जैसे इसमें लिखा ए क्रॉस बी की डायरेक्शन, तो बच्चों आप ए से बी की तरफ घूम जाओ, मतलब आप ए से बी की तरफ घूमो, तो अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को ए से बी की तरफ मोड़ो, ए से बी की तरफ कर्ल करो। तो बच्चों ए से बी की तरफ अगर आप उंगलियों को मोड़ते हो तो थंब अंदर की ओर आ रहा है, मतलब कि बच्चों ये कैसा है, इनवर्ड हो गया, जो थंब है वो आपको बताएगा ए क्रॉस बी। तो जैसे ही बच्चों आपने ए से बी की तरफ मोड़ा, फिंगर्स अगर ए से बी की तरफ घूमे तो थंब आपको बताएगा ए क्रॉस बी। वहीं अगर बच्चों हम फाइंड कर रहे होते डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए, तो बच्चों बी क्रॉस ए की डायरेक्शन कैसे फाइंड करते, तो हम कहते बी से ए की तरफ घूमो। तो बच्चों अगर आप, ये आपके पास बी हो गया, ये बच्चों आपके पास ए हो गया, अगर आप बी से ए की तरफ घूमते तो बी से ए की तरफ घूमते तो फिंगर्स को बच्चों ऐसे मोड़ते तो थंब बाहर की तरफ आता, तो ये हो जाता बच्चों यहां पर आउटवर्ड। मतलब बच्चों ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। ठीक है ना, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं डायरेक्शन में, और मैग्नीट्यूड तो बच्चों ए बी साइन थीटा ही होगा। इसीलिए कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हम ए क्रॉस बी में ऐड कर दें बच्चों बी क्रॉस ए, क्या ऐड कर दें, बी क्रॉस ए, तो आपको पता है बच्चों मैग्नीट्यूड दोनों के सेम है ए बी साइन थीटा, और डायरेक्शन में एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो बच्चों अगर डायरेक्शन में ऑपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो ऐड करने पर आएगा जीरो, जिसको हम बोलेंगे नल वेक्टर या जीरो वेक्टर, है ना भाई, फाइव और माइनस फाइव ऐड करोगे क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक, तो एक तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। अब बच्चों इसी को हम ऐसे भी देख सकते हैं, समझना, जैसे मान लो बच्चों आई कैप क्रॉस जे कैप करना है, जे कैप क्रॉस के कैप करना है, या के कैप क्रॉस आई कैप करना है,
ठीक है। तो इसके लिए बिल्कुल एक छोटा सा तरीका है, आप बच्चों ऐसे लिख लो आई, फिर यहां पर आप लिख लो जे, फिर आप बच्चों यहां लिख लो के, और फिर आ गया आई। ठीक है, बहुत सिंपल तरीका बता रहे, ध्यान से सुनना बच्चों। अगर आप एरो की डायरेक्शन में चलोगे तो आंसर पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे। कैसे, देखो जैसे मान लो बच्चों आई क्रॉस जे किया तो आंसर आएगा के कैप, तो यहां पर हमने लिख दिया के कैप। आप बच्चों जे क्रॉस के करोगे, देखो एरो की डायरेक्शन में चल रहे हो, जे क्रॉस के करोगे तो आंसर आएगा आई कैप, तो यहां पर हमने लिख दिया आई कैप। बच्चों अगर आप के क्रॉस आई करोगे, के क्रॉस आई करोगे तो आपको मिलेगा जे कैप, यहां हमने लिख दिया जे कैप। अब मान लो बच्चों आप इसका उल्टा करते हैं, जैसे आप कहते हैं मुझे जे क्रॉस आई चाहिए, तो जे क्रॉस आई के लिए उल्टा चलना पड़ता तो आंसर आता बच्चों माइनस के कैप। आप कहते सर कि मुझे आई क्रॉस के करना है, तो बच्चों आई क्रॉस के उल्टा चलते तो आंसर आता माइनस जे कैप। ठीक है, आप कहते सर मुझे के क्रॉस जे करना है, के क्रॉस जे करना है, तो के क्रॉस जे मतलब उल्टा चलते एरो के, तो आंसर आता माइनस आई कैप। ठीक है, तो इससे बच्चों ये चीजें हम हैंडल कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए आई क्रॉस आई कितना होगा, जे क्रॉस जे कितना होगा, के क्रॉस के कितना होगा, तो बच्चों ये आपको पता है ए बी साइन थीटा होता है। अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो थीटा जीरो हो गया, तो ये पूरा ही जीरो हो जाएगा, तो आप बच्चों इसको नल वेक्टर लिख सकते हो। आई का आई से क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। तो दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब बच्चों समझो जरा, मान लीजिए आपको ए वेक्टर दे रखा है ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप, और बी वेक्टर आपको गिवन है बच्चों बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। ठीक है, ऐसा दे रखा है। अब आपको बताना है ए क्रॉस बी क्या होगा, तो बहुत आसान है बच्चों, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं। आपको क्या करना है, ऐसे लिख लो आई कैप जे कैप के कैप। ठीक बच्चों, पहला वेक्टर क्या है उसके कंपोनेंट लिख दो ए एक्स ए वाई ए जेड, दूसरा क्या है बच्चों ऐसे लिख दो बी एक्स बी वाई और बी जेड। ठीक है, अब देखो लिखना कैसे, अगर हमें बच्चों ए क्रॉस बी करना है तो जो पहले लिखा उसको पहले लिख लिया, जो बाद में लिखा उसको बाद में लिख लिया। अब क्या करना है, सबसे पहले आप लिखो बच्चों आई कैप, ठीक, और हमेशा आगे बढ़ना है, तो आपने लिख लिया आई कैप। आई कैप के बच्चों आगे गए तो इनको इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, मतलब क्या करना है ध्यान से सुनो बच्चों, आई कैप लिया, अब आई कैप के आगे गए तो हमें मिला ए वाई, तो ए वाई का इससे करो मल्टीप्लाई, फिर माइनस लगाओ, फिर इसका इससे करो मल्टीप्लाई, तो बच्चों ए वाई का बी जेड से करेंगे तो क्या आएगा ए वाई बी जेड, फिर माइनस लगाया, इसका इससे किया तो बच्चों ये क्या हो गया बी वाई ए जेड। ठीक है, यहां तक कर लिया, प्लस जे कैप, कुछ बच्चे यहां पर माइनस जे कैप लगाते हैं, मैं आपको बोला प्लस लगाते जो आंसर आता जाएगा, प्लस जे कैप, लेकिन हमेशा आगे बढ़ना है बच्चों। जब आपने जे कैप लिखा, अब आप उसके आगे गए तो आपको क्या मिला ए जेड, भाई जे लिखा ना, अब उसके आगे गए तो ये मिला, तो इसका बच्चों हम करेंगे इससे मल्टीप्लाई, भाई जे वाली लाइन को तो भूल जाओ, जब आप जे कैप लिख रहे हो तो ये वाली लाइन को तो भूल जाओ, अब इससे आगे बढ़ो, तो ये मिला दिस इंटू दिस, तो बच्चों ये हमें क्या मिल गया ए जेड और बी एक्स, फिर माइनस, फिर दिस इंटू दिस, यानी कि बच्चों क्या है बी जेड ए एक्स। बात समझ में, ऐसे अब समझना बच्चों। इसके बाद हमने लिख दिया यहां पर प्लस के कैप, अब जैसे ही बच्चों हमने के कैप लिखा तो ये तो आप भूल ही जाओ, अब इससे आगे चलोगे तो यहां आ जाओगे, तो बच्चों दिस इंटू दिस, तो क्या हुआ ए एक्स बी वाई, फिर माइनस दिस इंटू दिस, यानी कि बच्चों ए बी एक्स इंटू ए वाई। मैं क्वेश्चन लेकर के आपको बताता हूं, समझिएगा जरा बच्चों। मान लीजिए हमें टू आई प्लस जे प्लस के का क्रॉस प्रोडक्ट करना है आई प्लस टू जे प्लस थ्री के साथ, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। क्या करेंगे जरा ध्यान से देखें बच्चों, यहां पर हमने लिखा आई, यहां लिखा जे, यहां लिखा के। अब जरा देखो पहले वेक्टर में क्या है बच्चों टू वन वन, दूसरे में क्या है वन टू थ्री। अब क्या करना है ध्यान से देखो, सबसे पहले लिख लो आई, फिर बच्चों यहां लिख लो जे, और फिर बच्चों यहां पर लिख लो के। ठीक है, बिल्कुल सिंपल, सुनना ध्यान से। जब बच्चों हमने आई लिखा तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन तो भूल जाओ, है ना, आई वाली लाइन को भूल जाओ, ये वाली, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। अब आई के आगे बढ़ोगे तो आपको मिलेगा वन, तो बच्चों दिस इंटू दिस किया तो कितना आ गया थ्री, फिर माइनस दिस इंटू दिस किया कितना आ गया टू, फिर प्लस, फिर जे में आ गए। अब बच्चों ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भूल जाओ, जे के आगे बढ़ो मिला वन, तो वन इंटू वन तो मिल गया वन, फिर बच्चों थ्री इंटू टू कितना मिल गया सिक्स, ऐसे लिख दिया,
फिर आगे बढ़ो बच्चों, के में आ गए तो ये दोनों लाइन भूल जाओ, के आगे गए तो यहां आ गए, 2 × 2 ये मिल गया बच्चों 4, −1 × 1 ये मिल गया 1, तो यहां देखो बच्चों कितना आया 3 − 2, तो ये तो आ गया आई कैप, और बच्चों ये हो गया −5 j कैप, और यहां पर आ गया 3 k कैप। तो इस तरीके से बच्चों हम क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं। ठीक, अब जरा आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहां पर एक चीज समझना, दो बातें हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों यहां पर आपके पास है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर का यूज करके हम बच्चों यहां पर एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है याद रखना। तो बच्चों इस ट्रायंगल का अगर आपसे एरिया पूछा जाए तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दीजिएगा हाफ ए वेक्टर क्रॉस बी कैप, यानी बच्चों ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट करके जो भी उसका मैग्नीट्यूड है उसका हाफ कर देना। वहीं बच्चों अगर हम बात करें यहां पर कि हमें ए वेक्टर दिया है, हमें बी वेक्टर दिया है, और इससे हमने बच्चों एक पैरेललोग्राम बनाया, तो इस पैरेललोग्राम का अगर एरिया पूछा जाए तो बच्चों सीधे सीधे आपको क्या करना है, ए क्रॉस बी आप फाइंड करना और उसका मैग्नीट्यूड ले लेना। ठीक है, अब बच्चों मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करके दिखाता हूं, जरा वहां पर आते हैं। देखिए बच्चों अगर आपको बोला जाए कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका मैग्नीट्यूड √3 times है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के, और आपसे पूछा जाए कि दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा, क्या फाइंड कर सकते हैं? देखो भाई हमें पता है कि बच्चों ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आएगा, तो वो आप कहोगे सर ए बी साइन थीटा आएगा, और बच्चों ए डॉट बी क्या आएगा, ए बी कॉस थीटा आएगा। बच्चों ए बी से ए बी उड़ गया, तो यहां पर अगर आप देखो तो टेन थीटा कितना आ गया √3, तो थीटा बच्चों यहां पर कितना आ गया 60 डिग्री, है ना, कितना आसान है। बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि एंगल बिटवीन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होगा, ठीक है, बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनो बच्चों, जब आप ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करते हो तो उसका जो रिजल्टेंट आता है यानी कि ए प्लस बी, वो ए प्लस बी बच्चों उसी प्लेन में होता है जिस प्लेन में ए और बी है, तो ए प्लस बी तो उसी प्लेन में हो गया। लेकिन जब आप बच्चों ए क्रॉस बी करोगे तो आप जरा देखो, ये ए है, ये बच्चों बी है, मैंने कहा था ए क्रॉस बी करने के लिए क्या करना है, ए से बी की तरफ घूमना है। बच्चों अगर फिंगर्स को ए से बी की तरफ घुमाए तो थंब बाहर की तरफ आ रहा है, मतलब कि बच्चों ऐसे आउटवर्ड आ रहा है, आउटवर्ड आ रहा है, यानी कि बच्चों ए क्रॉस बी जो आ रहा है वो आउटवर्ड आ रहा है। तो अब आप जरा देखो कि बच्चों ए प्लस बी तो प्लेन में है और ए क्रॉस बी प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब इनके बीच में एंगल कितना हो गया बच्चों 90 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों जितने भी मेन मेन कॉन्सेप्ट थे, फॉर्मूला थे, वो सब मैंने आपको वेक्टर के समझा दिए हैं। अब आपको क्या करना है बच्चों, एक बार ये पूरा अच्छे से वीडियो देख लीजिए, कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। ठीक है, थैंक यू।